पाकिस्तान का फ्लैग और ये वहाँ से व्यू करते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए केरन। तो आप देख सकते हो कि फेंसिंग कहाँ से लगी है, फेंसिंग आप देख रहे हो कि यहाँ से फेंसिंग लगी है। जो इस साइड वाला एरिया है वो इंडिया का है, जो इस साइड वाला एरिया है वो पाकिस्तान का एरिया है। तो फिलहाल हम चलते हैं मेन पॉइंट पे, जहाँ पे अच्छे से वहाँ के घर दिखाई देते हैं, वहाँ पे जाते हैं पहले। यही डिस्टेंस है बीच में और ये रहा इंडिया, बस इतनी सी डिस्टेंस है। ये है पाकिस्तान और ये है इंडिया, और ये मेरे बंदे जा रहे हैं आगे सामान लेके, क्योंकि गाड़ियाँ जो है वो वहाँ पीछे रखनी पड़ती है, वहाँ से आगे फिर गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। फिर वहाँ से पैदल मार्च करना है, जो भी सामान होगा वो लेके चलना है। अलबत्ता वहाँ पे लोकल गाड़ियाँ हैं, क्योंकि यहाँ से घर भी आपको दिखाई देते हैं। लोकल गाड़ी है उस चेक पोस्ट के पास, फिर वहाँ से आप गाड़ी ले सकते हो। वो 200 लेगा और आपको इस साइड से छोड़ देगा लोकेशन पे। तो फाइनली फ़िलहाल हमने यहाँ पे टेंट अपना सेट कर दिया, और ये रहा टेंट के सामने बिल्कुल पाकिस्तान, ये आप देख सकते हो। ये है भाई पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान का फ्लैग, और ये रहे पाकिस्तान के लोग, और ये है कश्मीर के लोग जो कश्मीर से यहाँ आए। और आप देख सकते हो कि भीड़ कितनी है, कितनी, ये देखो पूरा कश्मीर यहाँ पे आ चुका है, ये आप देख सकते हो। ये जो उस साइड से आप लोग देख रहे हो, ये पाकिस्तान के लोग हैं। अब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है यहाँ से पाकिस्तान, बहुत ही ज़्यादा। बस फैसला जो है, बस दरिया का फैसला है बीच में। जो गाड़ी आ रही है ये पाकिस्तान की गाड़ी है शायद। ये देखो ये जा रही है पाकिस्तान से ट्रक, और देखो ट्रक का शो कैसा है, एकदम जकाजक। ये देखो ट्रक कैसा है, इसका शो कैसा है। यहाँ से लाइटिंग आपको दिख रही है, वो पूरा पाकिस्तान का एरिया है। बीच में बस ये दरिया का फासला है, और इस साइड से है इंडिया, और इंडिया में आपको कहीं लाइट ही नहीं दिखेगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। अलबत्ता इस साइड ये आप देख सकते हो वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। ये रहे पाकिस्तान के लोग जो अभी वहाँ से आवाज़ें दे रहे हैं, और ये रहे यहाँ के लोग जो यहाँ से आवाज़ दे रहे हैं। यहाँ पे हम अपना जो खाना है वो तैयार कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने आकिब भाई लगा के रखे हैं, वो सब्ज़ी बना रहे हैं। हमारे पास वो छोटा सा गैस का चूल्हा है उसी से, और हमारे साथ कुछ बंदे भी जुड़ गए हैं। अब हम पहले खाना यहाँ पे तैयार करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कैसा मज़ा रहेगा इसमें। ये हो गई है सुबह, नाइट तो हमने यहाँ पर गुजार दी, अब आपको सुबह का प्यारा सा व्यू दिखाते हैं। और ये आसमान का लुक, ऐसा कुछ सीन था रात भर यहाँ पे, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। अभी पाकिस्तान के लोग जागे नहीं हैं, अभी बजे है 10 मिनट के ऊपर 6। सुबह का व्यू कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा। वहाँ से पाकिस्तान साइड से आपको हर एक फैसिलिटी देखने को मिलेगी, और इस साइड से कोई फैसिलिटी नहीं है, बस टेंट लगे हैं यहाँ से, और कोई लाइटिंग का सिस्टम नहीं है, और
रहने का कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। अलबत्त वहाँ से आपको सब कुछ सही नज़र आएगा। अभी तैयारियाँ फिट कर ली वापस निकलने की, और लोगों की जो भीड़ है वो भी दरिया के किनारे बढ़ने लगी। कश्मीर के कोने कोने से लोग आए हैं आज, बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ पे। चलिए आपको भी दिखाएंगे कैसा माहौल रहता है बाहर, जब लोग उस साइड से भी जमा होते हैं, इस साइड से भी जमा होते हैं। ये जो जगह है ये मेन जगह है केरन वैली की, यहाँ पे लोगों की ज़्यादा भीड़ उस साइड से भी रहती है और इस साइड से भी रहती है। वो लिखा है कश्मीर पाकिस्तान, और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि भीड़ कितनी है। यहाँ से टेंट भी लगे हैं हर जगह से, आपको यहाँ टेंट भी मिलेगा अगर आप यहाँ आओगे। यहाँ पे टेंट फैसिलिटी भी रखी हुई है और रूम्स भी अवेलेबल है यहाँ। वहाँ से वेव करते हैं और यहाँ से भी, चलिए हम वेव करके देखते हैं, वहाँ से वेव करते हैं। वो बैग अब यहाँ पे बचा ही नहीं है कोई, कुछ तो आप करेंगे घोड़े की राइड। तो पहली बार मैं घोड़े की राइड ले रहा हूँ, अब कैसे चलाना है इसको यार? ठीक है सर। भाई इधर खींच, इधर खींच। इस साइड और आराम से। पाक जल्दी, पाक जल्दी। और यहाँ पे छोटी सी एक पार्क बनी है, तो चलते हैं इस पार्क के अंदर, देखते हैं यहाँ क्या कुछ खास होगा। और ये देखो, ये है यहाँ की प्राउड टू बी इंडियन। फाइनली हम बारामूला पहुँच गए फिर से वापस, मगर हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो आज की वीडियो जो है वो हम यहीं पे आके क्लोज़ कर देते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।